कार्तिक स्वामी मंदिर का ये सफ़र कनकचौरी से शुरू होता है और यहाँ से 3 किलोमीटर का ये रास्ता है जहाँ से पैदल रास्ते के जरिए कार्तिक स्वामी मंदिर तक जाया जाता है। उत्तर भारत का एकमात्र ये मंदिर है जिसे साउथ में मुरुगेशन के नाम से भी कहा जाता है। ये करीब 2 किलोमीटर के बाद का ये पड़ाव आता है। यहाँ से पीक डिवाइड हो जाती है, इस तरफ ये केदार वैली का जो इलाका है, केदार घाटी इस तरफ आ जाती है और जो तल्ला नागपुर का दूसरा इलाका है जहाँ से हम आए हैं कनकचौरी, वो इस तरफ आता है। यहाँ से 1 किलोमीटर का कार्तिक स्वामी का सफ़र रह जाता है। आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, ये कार्तिक स्वामी मंदिर के बजाय ये स्वर्ग की सीढ़ी, इसे अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हाइपरबोल नहीं होगा। कार्तिकेय का जो ये सफर है, अब यहाँ से अब मंदिर की शुरुआत होती है। ये कार्तिक स्वामी मंदिर का कैंपस है, प्रांगण है। कार्तिक स्वामी मंदिर के बारे में जो दंत कथाएं हैं, वो कहा जाता है कि जब शंकर भगवान और माँ पार्वती ने चारों पूरे लोक कहा गया तो गणेश भगवान ने माता पिता हैं यानी भगवान शंकर और गौरा माँ हैं उनका ही परिक्रमा कर उसको संसार की उपाधि दी। वहीं कार्तिकेय पूरे संसार का चक्कर लगा के आए और वो काफ़ी समय बाद अपने घर पहुँचे, कैलाश में पहुँचे। उसके बाद ही कहा जाता है कि कार्तिकेय रुष्ट होकर इस स्थान पर आ गए थे और कार्तिकेय ने उसके बाद अपना देह त्याग करके, मांस त्याग करके, उनके जो ढांचा है, शारीरिक जो शरीर की हड्डियां हैं, वो यहाँ रह गई थी और इसीलिए यहाँ कार्तिकेय के रूप में इनकी पूजा होती है।